नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीएन 24 न्यूज में। कटनी जिले में नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की मांग को लेकर गुरुजी संघ का बड़ा प्रदर्शन। वहीं राज्य सहायक अध्यापक गुरुजी संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिले में गुरुजी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के सामने सभा का आयोजन किया गया। अतिरिक्त कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। आईबीएन 24 के लिए संजय खरे की रिपोर्ट। 1997 में गुरुजियों की भर्ती की गई थी शैक्षणिक व्यवस्था के लिए, और ये वो समय था जबकि ना स्कूल थे, ना विद्यालय थे, ना स्टाफ था, ना कोई सुविधाएं था। तब पेड़ के नीचे विद्यालय लगा के मध्य प्रदेश में गुरुजी ने अपनी सेवाएं प्रारंभ की। आज जब राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा समस्त सुविधाएं मिलने लगी स्कूलों को, तब मध्य प्रदेश के मुखिया ने जो निर्ममता वाला आदेश राज्य शिक्षा सेवा का निकाला है कि किस राज्य शिक्षा सेवा में आने वाले गुरुजी, शिक्षा कर्मी, संविदा सभी को 1/7/2018 से वित्तीय लाभ दिए जाएंगे और अध्यापक बनने के बाद की सेवाएं मान्य की जाएंगी, हम उसके विरोध में यहां पर आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी हमारा गुरुजी है उसको उसका नियुक्ति दिनांक 1997 से उसकी वरिष्ठता दी जाए, क्योंकि उस समय उसने अपनी सेवाएं दी हैं जबकि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी गुरुजी के लिए न तो विद्यालय था छाया के लिए, न बच्चे थे। घर घर से बच्चे निकाल करके हमारे गुरुजी साथी विद्यालय के रूप में पेड़ के नीचे इकट्ठा करके उनको विद्या देने का काम करते थे। वो वरिष्ठता खत्म करने का प्रयास मुख्यमंत्री मोदी कर रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इसके खिलाफ, न्याय के खिलाफ के मांग को लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन माननीय जिला कलेक्टर मोदी को देने के लिए यहाँ आए। आपका शुभ नाम? मैं राकेश दुबे, मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन का कार्यवाहक प्रांत।